स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं LHS। तो LHS में क्या है, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी, फिर बच्चों है माइनस सी प्लस ए, ठीक, एंड 3c। अब देखो, अगर हम बच्चों इसमें तीनों कॉलम को ऐड करें, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तो बेनिफिट देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, 3a माइनस ए माइनस ए, तो एक a बचेगा, b और c, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 2b प्लस 3b, तो इसमें भी बचेगा a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट बच्चों बचेगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब हमने C2 C3 को एज इट इज कॉपी करा, तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड 3c, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में से कॉमन हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा, 1 1 1, तो माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड 3c। अब हमारे पास कॉन्टिन्यू 3 1 आ रहे हैं, तो ऑपरेशन लगेगा R1 माइनस R2, फिर लगेगा R2 माइनस R3, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी, R1 माइनस R2 0, इसको इसमें माइनस करिए, माइनस a माइनस 2b, इसको बच्चों माइनस करो, माइनस a प्लस का b, फिर आ जाएगा 0, 2b प्लस का c, माइनस b माइनस का 2c, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 माइनस c प्लस b एंड 3c। बच्चों किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें, C1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यू कितने जीरो आ रहे हैं, 2, तो ये जाएगा और ये माइनस a माइनस 2b, फिर यहाँ बचेगा 2b प्लस c माइनस a प्लस b माइनस b माइनस 2c। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बच्चों आएगा माइनस a माइनस 2b एंड माइनस b माइनस 2c, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2b प्लस c माइनस a प्लस का b। चलिए अब इसकी हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा, प्लस ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर एंड 4bc। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस का ca एंड प्लस का bc, ठीक है। अब ध्यान दीजिए a प्लस b प्लस में c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो ही गई, तो 2b स्क्वायर, तो 4bc माइनस माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस का, अब बच्चों यहाँ पर है माइनस ca और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का bc, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी, देखिए 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर गया, तो सबसे पहले ab और 2ab, तो टोटल हो गया 3ab, 4bc में bc तो 3bc, 2ac और ca तो मिला के 3ac, ठीक है बच्चों। अब इसमें से 3 आप कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी, और इसे ऑर्डर पे लिख लो, ab फिर bc और फिर ca, ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था।